Hi guys, wish you a very good morning. This is me Anshu Joshi and you are watching me on the channel for TYS. So here it is 28th May, Thursday, and this is the fourth phase of lockdown. And here we are going to start today's the Hindu news analysis. As we all already know कि हम लोग daily basis पे the Hindu का news analysis लेते हैं, जिसमें हम सारी daily basis पर जो भी important news the Hindu newspaper cover करता है, वो सारी यहाँ पे discuss करते हैं. Okay, so जिससे कि आपका precious time जो है एक डेढ़ दो घंटा जो आपको newspaper पढ़ने में लगता है, specially Hindi medium के students जिनको इंग्लिश में थोड़ा इशू आता है, उनके लिए डिकोड करके हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस विथ यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ नाउ ट्रंप ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के बीच में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्मलसी लाने के लिए या इंडिया और चाइना के बीच में जो है मीडिएट करने के लिए रेडी हैं, एंड इवन वी वांट टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर. ये जो है LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके मैटर पर किया गया है. मैं आपको बता दूँ, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इंडिया एंड चाइना के बीच में कुछ LAC से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके अंदर जो बॉर्डर मेजर लाइन आती है बीच में, उसके बारे में डिस्कस किया गया है ना. सो अमेरिका का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम लोग आपके बीच में नॉर्मलसी लाने के लिए रेडी हैं, एंड वी आर विलिंग टू वर्क ऑन दिस मैटर. सो इसी बीच में, जैसे आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड एरिया है. मिस्टर ट्रंप ने ये बात ट्वीट करके बताई है कि हमने इंडिया और चाइना को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है आपकी हेल्प के लिए, आपके लिए मीडिएट करने को ऑलरेडी रेडी है. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ गवर्नमेंट मूव्स ₹4,500 सीलिंग ऑन COVID-19 टेस्ट. मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट ने जो है रिमूव कर दिया है 4,500 की जो एक सीलिंग बना रखी थी, उसे रिमूव कर दिया गया है, जो कि COVID-19 टेस्ट पर की गई थी. बेसिकली व्हाट इज़ हेयर, गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस टैग कर रखा था COVID-19 के टेस्ट पर, दैट वाज 4,500. अब जो है गवर्नमेंट ने उसे रिमूव कर दिया है, और अब स्टेट्स जो है अपने बेसिस पर नेगोशिएट करके और अप्रूव्ड लैब्स से नेगोशिएट करते हुए फिक्स प्राइस के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स करते हुए COVID-19 टेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ माइग्रेंट वर्कर्स जंप ऑफ ट्रेन्स इन बिहार टू एस्केप 14-डे क्वारंटाइन. मैं आपको बता देती हूँ, बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही हम माइग्रेंट्स को लेकर आते हैं, हम उन्हें क्वारंटाइन एरिया में रखेंगे, जिसमें उन्होंने स्कूल्स या और भी जो गवर्नमेंट एरियाज़ हैं, जो गवर्नमेंट अंडरटेकन जो बिल्डिंग्स है, वहाँ पर रखने का निर्णय लिया है. So people don't want to isolate themselves on these type of places. उनका ये कहना है कि हम खुद के घर में ही खुद को isolate कर लेंगे, but we don't want to get isolated in government areas. So बिहार में जो migrants हैं, वो train से ही कूदने की घटना सामने आई है कि उन्होंने जो है स्टेशन से पहले ही ट्रेन से जंप करके और वो वहाँ से भाग गए. इसका रीज़न था कि वो क्वारंटाइन 14 डेज के क्वारंटाइन में जो है नहीं रहना चाह रहे थे, वो भी स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में. ओके, सो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए खतरे का निशान है कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो हमारे लिए एक खतरे का निशान है. लोगों को खुद समझना होगा ये बात कि कैसे उन्हें, और गवर्नमेंट को भी इस बात पर, इस मुद्दे पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना होगा, या हम कह सकते हैं ध्यान देना होगा कि कैसे इन लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके, जिससे कि इस तरह की घटनाएँ ना घटित हो और जो लाइव्स हैं उनको प्रभावित ना करें इस तरह की चीज़ें. ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ निज़ामुद्दीन इवेंट. हमने कल डिस्कस किया था निज़ामुद्दीन केस के बारे में, जिसके अंदर 82 फॉरेनर्स को चार्जशीट
जो है फाइल की गई है उनके अगेंस्ट। इसका रीज़न क्या था कि निज़ामुद्दीन इवेंट में आने वाले जो फॉरेनर्स हैं ये वीज़ा कंडीशंस को ओवरकम करके, या मैं कह सकती हूँ उनका उल्लंघन करके, और यहाँ पर इस इवेंट में हिस्सा बनने आए थे। और उसके अंदर 15 और लोगों को सम्मिलित किया गया है 82 से के अंदर, जो 15 और भी फॉरेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की इलीगल वर्क को अंजाम दिया है। सो इसके चलते दिल्ली पुलिस ने अगेन जो है इन 15 लोगों को चार्जशीट इनके अगेंस्ट फाइल की है। इसके अलावा ऑलरेडी जो है 294 फॉरेनर्स के अगेंस्ट जो है इस तरह की छानबीन और इस तरह की घटनाक्रम के बारे में पता लगाने की दिल्ली पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में और कितने फॉरेनर्स ऐसे हैं जिनके बारे में इलीगली इस इवेंट में सम्मिलित होने का केस दर्ज किया जाता है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज न्यूज़ ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट इन मुंबई अ र्यूमर। हाल ही में सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देखने को मिली कि जो भी एरियाज़ है, हॉटस्पॉट एरियाज़ है नोवल कोरोना वायरस से संबंधित, जो भी हॉटस्पॉट है उन सारे क्षेत्रों में मुंबई और पुणे में जो है आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। तो ये जो न्यूज़ है ये पूरी तरीके से एक अफवाह के रूप में सामने आई है। इस तरह के कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है, कोई आर्मी जो है इन एरियाज़ में देखने को नहीं मिली है, बट स्टिल सोशल मीडिया पर काफ़ी देखने को चर्चा में मिली है। सो इट वॉज अ फॉल्स न्यूज़ एट ऑल। सो और ये जो इनिशिएट किया गया था ये महाकाइबर्ट या समथिंग कुछ नेम कह सकते हैं इसका, उनके द्वारा इनिशिएट किया गया था इस तरह की गलत र्यूमर्स को। ओके सो ये भी है कि उसके अगेंस्ट भी जो है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, पर्टिकुलर एक्शन लिए गए हैं इस र्यूमर्स के अगेंस्ट। सो ऑल दीज टाइप ऑफ र्यूमर्स जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित करती है, उनके मेंटालिटी को प्रभावित करती है। इसलिए ये मेरी गुजारिश है सभी से कि इस तरह के र्यूमर्स, कोई भी न्यूज़ आप अगर पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं समझते हैं, तो वो पहले तो ऑथेंटिक सोर्स को कैरी कीजिए। और ऑथेंटिक सोर्स से नहीं भी और वैसे भी चलत में आपके पास में अगर व्हाट्सएप पे या कोई सोशल मीडिया किसी पर भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ट्विटर पे कुछ चीज़ आर्टिकल देखने को मिल जाता है, तो उस पर बिलीव करने से पहले उसे एक बार क्रॉस चेक कीजिए किसी गवर्नमेंट या न्यूज़ चैनल की साइड से। इवन आजकल तो न्यूज़ चैनल्स भी पॉजिटिव न्यूज़ जो है कम देखने को मिलती है, बट स्टिल आप किसी ऑथेंटिक सोर्स या साइट से जो है उसे फॉलो कीजिए, उसे कंफर्म कीजिए कि ये सही है या नहीं, उसके बाद में उस पर बिलीव कीजिए, उससे पहले ना कीजिए। इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज इस तरह के र्यूमर्स बहुत सी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, है ना। सो लेट्स टेक टुडेज नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ इन एडिटोरियल सेक्शन। द फर्स्ट न्यूज़ इज द स्वार्म, द लोकस्ट इन वेस्टर्न पार्ट्स एड अ न्यू डिमेंशन to other disasters facing India। देखिए अभी रिसेंटली लोकस्ट अटैक हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकस्ट एक हम कह सकते हैं एक तरह के इंसेक्ट की प्रजाति है जो जनरली एग्रीकल्चर को जो है नुकसान पहुंचाती है, या हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी फसल को नष्ट करने का कार्य करती है। वो अटैक अभी हमें वेस्टर्न पार्ट में ऑलरेडी देखने को मिला है। देखिए ऑलरेडी बहुत सारे डिज़ास्टर्स को हम सफ़र कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, और उसके बीच में एक नया डिज़ास्टर हमारे सामने उभर कर आया है जिसके तहत इस पर्टिकुलर लोकस्ट अटैक ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण एरियाज़, इवन पूरे एग्रेरियन के लिए एक डिज़ास्टर बनकर सामने आया, एग्रेरियन डिज़ास्टर बन के, जिसने देखिए जहाँ एक तरफ साइक्लोन से हिट हो रहा है, पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है वो साइक्लोन से हिट हुआ है, वहीं पे अदर जो पोर्शन है इंडिया के कोविड-19 से ऑलरेडी सफ़र कर ही रहे हैं, इसी बीच में वेस्टर्न पार्ट में इस तरह का लोकस्ट अटैक हमें ये इंडिकेशंस देता है कि जब भी एक पर्सन, एक मनुष्य जो है नेचुरली जो है किसी चीज़ को हिट करने की कोशिश करेगा, नेचुरली जो है नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इन दैट कंडीशन द नेचर इज़ रेडी टू रिवर्स बैक। ओके
सो इस तरह की मेरा इवेल्यूएशन ये कहता है कि इस तरह की घटनाएं जो कि नेचर को नुकसान पहुंचाती है, वी शुड कंट्रोल इट. ओके, सो द डेजर्ट लोकस्ट एज अ स्पीसीज इन बेन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक श्राप की तरह सामने आती है. मतलब स्पीच, ये एक स्पीस है स्पाइसेस कैरी, इट मींस इसके अंदर जो तत्व है वो बेसिकली एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है. ठीक है, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियड पीरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द मैराडिंग इंसेक्ट्स आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस तरह का जो लोकस्ट अटैक है, इसको अटैक को हैंडल करने के लिए या इस तरह की घटना को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई डिपार्टमेंट है? तो जी हाँ, राजस्थान के ही जोधपुर के अंदर, जोधपुर सिटी जो है उसके अंदर LWO दैट इज़ लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो इस लोकस्ट अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. ओके, आज तक जैसे 1964 से लगा के 1997 तक 13 लोकस्ट अटैक देखे गए थे एंड उसके बाद में 2010 में देखा गया था जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था. उसके बाद में जो है ये घटनाक्रम आज के डेट में जो हम देखने को मिल रहा है हमें, वो एक बहुत बड़ा जो है नुकसानदायक, हम कह सकते हैं नुकसानदायक है. आज की डेट में जो लोकस्ट अटैक हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेरियन जो है डिज़ास्टर फेस कर चुके हैं राजस्थान, MP और गुजरात के एरियाज़ में. अब आगे कहाँ तक नुकसान पहुँचाता है हमें नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे नुकसान जो है, काफ़ी हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमें ऑलरेडी इसका देखने को मिला है. ठीक है, सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या. देखिए जैसे कि द ईस्ट पंजाब एग्रीकल्चर पेस्ट जो है एंड डिजीज़ नॉक्सियस वीड्स एक्ट 1949, इसके तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑलरेडी ये हम कह सकते हैं उनको ये अथॉरिटी है कि वो अपने पर्टिकुलर एरिया में, उन्होंने ये चीज़ कह रखी है, ऑर्डर्स निकाल रखे हैं कि कोई भी ऐसा 14 साल से ऊपर का इंसान जो कि इसको लोकस्ट को अटैक करने के अटैक को रोकने के लिए, इसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए एफ़र्ट्स लगा सकता है, उनके उसके एफ़र्ट्स और उसके जो वर्क है वो बिल्कुल वेलकम है. वी आर रेडी टू टेक ऑल दीज टाइप ऑफ एफर्ट्स एंड वी आर रेडी टू अप्रिशिएट ऑल दीज टाइप ऑफ एफर्ट्स. ओके, सो पॉसिबली आने वाले टाइम में इस पर हमें कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अ मोमेंट टू ट्रस्ट द टीचर. नोवल कोरोना वायरस का जो टाइम था इसके अंदर बहुत सारे, ये एक पर्टिकुलर टाइम है जो कि काफ़ी सारे, एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम कह सकते हैं, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को एग्जामिन किया है, काफ़ी सारे क्षेत्रों में, काफ़ी सारी फील्ड्स में जो है एग्जामिन करने का कार्य किया गया है. बहुत पॉजिटिव साइंस हमें इससे देखने को मिले हैं. देखिए हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है. सो हमें भी नोवेल कोरोना वायरस से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें लिटरली ये देखने को मिला कि कैसे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, कैसे चेंजेस आ सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे रिचुअल हैं, रिचुअल जो है काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट बने हुए हैं, महत्वपूर्ण अंग है कोई भी रिचुअल, उससे जो है इफ़ेक्ट कर गए कोरोना वायरस. सारे टेंपल्स बंद थे, सारे हम कह सकते हैं मॉस्क्यू और चाहे गुरुद्वारा ले लीजिए, हर एरिया, हर क्षेत्र, चर्च ले लीजिए, सभी क्षेत्र बंद थे. बड़े बड़े ऐसे ओकेजन्स या रिचुअल्स देखे गए हैं जिनको जो है लिटरली 4-5 पीपल्स मिलकर और बस उस पर्टिकुलर प्लेस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इस तरह की काफ़ी सारी घटनाक्रम दिख रहे हैं. मतलब जो चीज़ें हमारी जैसे तमिलनाडु में रिसेंटली हुआ था, है ना, तो इस तरह की काफ़ी सारी घटना है जो इस तरह के काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए. तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो कोरोना वायरस से प्रभावित हुए, जैसे रिचुअल्स ले लीजिए जो हमें अच्छा ये जो इसे जिसे हम प्रभाव कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बदलाव भी साबित हो सकता है ना, कहीं ना कहीं एक बदलाव हो सकता है कि हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो. जैसे आप एजुकेशन ले लीजिए, है ना, एजुकेशन फील्ड में जहाँ पे हमारा एजुकेशन हमारा एक बेस हम मान बैठे हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग कहते हैं हम जिसे, वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ. हमने उसके बिना भी 3 महीने हम कह सकते हैं जो पर्टिकुलर
जो लॉकडाउन का टाइम हमने स्पेंड किया वो करीब 2 से 3 महीने के बीच है। इवन आने वाले टाइम में भी मुझे उम्मीद है नहीं है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ स्कूलिंग या स्टार्ट होगा कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 महीने के लिए। तो बहुत बड़ा जो एरिया है प्रभावित हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्र एजुकेशन के फील्ड में हमें प्रभावित होते हुए नज़र आया, जो कि बोर्ड क्लासेस है, इवन उनके तो एग्ज़ाम भी नहीं हो पाए, कैरी ऑन नहीं हो पाए। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लिटरली ये भी अनाउंस कर दिया कि उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, जितने एग्ज़ाम हुए हैं जो साल भर का जो असेसमेंट कीजिए उसके बेसिस पर आप बच्चे का रिपोर्ट पेश कर दीजिए। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण, जैसे कि एक बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण जो क्षेत्र होता है या पल होते हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स रिलेटेड हो, तो वो भी इफ़ेक्टेड पाए गए। इसके अलावा रिचुअल्स, जैसा कि हमने बात की, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हम कह सकते हैं कम्युनिटीज़ या हम कह सकते हैं कि ऐसी अलग कमिटीज़ जो है कंट्री बेसिस पर या क्षेत्रीय आधार पर जो है हमें जो सोशल गैदरिंग्स, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, मैरिजेस जो कि हमारी प्रायोरिटीज़ हुआ करती थी और उसी के बेसिस पर हम अपने लाइफ को सर्वाइव, इवन लाइफ सर्वाइव करने की जो प्रायोरिटीज़ हैं पूरी तरीके से बदल गई है ना, पूरी तरीके से हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। हम मेडिकल जो है उस एरिया में, हाइजीन में, खुद के लाइफ को सर्वाइव कैसे किया जाए, मिनिमम वर्क एरियाज़ मिनिमम उसके बेसिस पर, और ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा कर गया, पैसे की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें हमें COVID-19 से सीखने को भी मिली और लिटरली प्रायोरिटीज़ भी चेंज हुई इवन जो अभी भी हम फेस करें। तो देखिए बहुत ये जो टाइम है ये एक ऐसा दौर है जिस समय हमें ट्रस्ट करना होगा कि हमारे लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ रखता है क्या नहीं रखता है। कोरोना वायरस को एक एग्जामिनेशन टीचर के रूप में लेना होगा। द नोवल कोरोना वायरस क्राइसिस इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट द एनर्जी फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है स्टडीज़ के, बेसिकली ये आर्टिकल स्टडी बेस्ड है, तो स्टडीज़ के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स देखने को या रिफॉर्म्स लाने की जो है उसके ऊपर फोकस करने का टाइम है। और नोवल कोरोना वायरस हमें ये सिखा कर गया, ये जो टाइम है नोवल कोरोना वायरस का ये एक परफेक्ट टाइम है ये देखने के लिए, या हम कह सकते हैं एनर्जी जो है क्रिएट करने के लिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में ये क्या पॉजिटिव साइंस लेकर आता है, क्या चेंजेस हमें, क्या रिफॉर्म्स हमें एजुकेशन फील्ड में देखने को मिलते हैं, जो एक ढर्रा सा चला आ रहा है जिसके काफ़ी डिसएडवांटेज भी हैं काफ़ी एडवांटेज भी देखते हैं हम लोग, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल पे अपने अपने जो उस कार्य क्षेत्र के आधार पर क्या 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 महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आती है वो सारी चीज़ें हमें इससे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे द इको ऑफ माइग्रेंट्स फुट फॉल्स एंड द साइलेंस ऑफ पॉलिसी। अब ये बात कही गई है माइग्रेंट्स और पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसीज़ के बारे में। देर आर 4 things दैट नीड टू बी डन इन द कंट्री इन द वेक ऑफ पेंडेमिक क्राइसिस। ये जो पेंडेमिक क्राइसिस का टाइम है, जो COVID-19 का दौर है, इसके तहत किसी भी क्षेत्र को या हम कह सकते हैं हमारी कंट्री को जो है कुछ 4 महत्वपूर्ण चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। 4 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कंट्री को ध्यान देना होगा और इस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं, जो पहला जो पॉइंट हमें, देखिए कुछ चीज़ें जो है ना बहुत पॉजिटिव साइंस लेकर आती है, मैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे चेंजेस लाए जा सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है और बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पर एजुकेशन फील्ड में। तो ये हमारी ज़रूरत बन गई है कि आज की डेट को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन फील्ड में एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वो लाने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। अब हम बात कर रहे थे माइग्रेंट्स के बारे में है ना, सो देखिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाने की ज़रूरत। तो जो 4 चीज़ों में बदलाव लाने की या 4 चीज़ों पर फोकस करने की जो ज़रूरत बताई गई है इस आर्टिकल में माइग्रेंट्स को देखते हुए,
और माइग्रेंट्स का जो फुटफॉल की कोर्स को देखते हुए, उनके जो पॉलिसीज़ को देखते हुए, सरकार की कुछ पॉलिसीज़ है साइलेंस पॉलिसीज़, उनको देखते हुए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव की बात कही गई है। तो जो पहला क्षेत्र है, वो पहली जो बात कही गई है, पहला बदलाव, वो ये बताया गया है कि अब हमें ज़रूरत है कि हम महात्मा गांधी के बताए पद चिन्हों पर चलें, ना कि नीति आयोग और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि हमारे देश के आज भी अधिकतम मैक्सिमम लेवल पर जो हमारे जो पॉपुलेशन है वो बेस्ड है विलेजेस और स्मॉल टाउन्स पर, ना कि सिटीज़ पर। तो इस तरह के जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें कि हम नीति आयोग या रिज़र्व बैंक या मॉडर्न पॉलिसीज़ या डिजिटलाइजेशन पे जो बिलीव कर रहे हैं, उन सब से हटकर हमें जो है कुछ बेसिक्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है विलेजेस और टाउन्स पर बेस्ड है। सो जो महात्मा गांधी जो स्कीम है, महात्मा नरेगा जिसे कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इस तरह की स्कीम्स को फोकस करना होगा, जो कि अब तक हमने सीखा है कि पॉजिटिवली वर्क करते हैं इस क्षेत्र के अंदर, है ना। सो द सेकंड इज़ रीबिल्ड द रूरल इकोनॉमी बेस्ड ऑन बिल्डिंग एंड हाउस होल्ड और बिल्डिंग्स के बेसिस पर, क्योंकि हमने देखा कि मैक्सिमम माइग्रेंट्स जो है वो अपने गांव की तरफ, अपने जो विलेजेस हैं उनकी तरफ रुक कर रहे थे, होम टाउन्स की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लेवल पे ज़रूरत है एक जो हम कह सकते हैं बिल्डिंग या आर्किटेक्चुरल फॉर्म रिफॉर्म्स की, जो विलेजेस है और जो टाउन्स हैं उनके अंदर, जिससे कि जो माइग्रेंट्स जो कहीं और जाकर के रहते हैं और ये नौकरी की तलाश में रहते हैं, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके और गांवों में ऐसे क्षेत्रों का निर्माण किया जा सके, ऐसी बिल्डिंग्स का, ऐसे रिफॉर्म्स को लेकर आया जा सके जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिवली उन लोगों को प्रोत्साहित करे अपने ही क्षेत्र में रहने और कार्य करने के लिए, है ना, जिससे कि एक गांवों का विकास भी होगा और उसी के साथ में उन लोगों का विकास संभव है जो कि आज की डेट में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ भारत पर कार्य किया जाए, उसके अलावा गांवों में इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में कार्य किया जाए, है ना। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क किया जाए और उनकी स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटी को जो एनहांस करने पर वर्क किया जाए। तो इस तरह के कार्य यदि जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा विलेजेस और सिटीज़ में, सॉरी टाउन्स में किए जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग माइग्रेंट के तौर पर बाहर ना रहे और वहाँ पर, वहाँ की इकोनॉमी पर वर्क करने से बेटर है कि वो अपने ही क्षेत्र में रहकर अपने राज्य की, अपने विलेजेस की इकोनॉमीज पर वर्क करें, है ना। द थर्ड प्लान जो बताया गया है, वो बताया गया है वर्क फ्रॉम होम एंड डिज़ाइन अ माइग्रेशन प्लान। माइग्रेशन प्लान को डिज़ाइन किया जाए और उसी के साथ में वर्क फ्रॉम होम को जो है उस पर वर्क किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम लेवल पर हमने देखा कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में जो सबसे ज़्यादा काम आया वो वर्क फ्रॉम होम का जो प्रोसीजर है वो काम आया, है ना। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले लीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले लीजिए, ऑफिसर्स ले लीजिए, कुछ भी काम नहीं आया, काम आया वर्क फ्रॉम होम। और तो ये आदत हमें लोगों में डालनी होगी कि कैसे घर से कार्य किया जाए और कैसे इस क्षेत्र में जो है पॉजिटिव साइंस क्रिएट किए जाए, है ना, एक नया रिफॉर्म लेकर आया जाए। इसके साथ में फोर्थ जो पॉइंट बताया गया है, फोर्थ जो एरिया है वो है मूव फंडिंग फ्रॉम करंट प्लानिंग विच बेनिफिट्स कॉर्पोरेट्स टू स्टेट्स, पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। ऐसी प्लानिंग्स को, अभी जो प्लानिंग्स चल रही है उन्हीं को ऐसे रिफॉर्म किया जाए, उनमें ऐसे बदलाव लाए जाए जो लोगों को प्रोत्साहित करे बड़े बड़े क्षेत्रों से अपने क्षेत्रों की तरफ, अपनी म्यूनसिपलिटीज़ की तरफ, अपनी स्टेट की तरफ, पंचायत की तरफ वर्क करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उसी के साथ में लोगों के हेल्थ पर वर्क किया जाए, मैन चिल्ड्रन और जो वुमेन हैं उनकी एजुकेशन पर, सॉरी वुमेन एंड चिल्ड्रन की एजुकेशन पर वर्क किया जाए और 20% जो है नेशनल बजट का उन्हें, या हम कह सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च किया जाए। उसी के साथ में रिलीज दीज फंड्स टू द स्टेट्स को ये फंड दिया जाए जिससे कि वो अपने अपने क्षेत्र में इन वुमेन और चिल्ड्रन के एजुकेशन या रिफॉर्म एरियाज़ पर वर्क करें, है ना। सो इट इज़ अ गुड टाइम टू रीथिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स।
ये सारी चीज़ें सोचें, हम लोग इस पर कार्य करें, सरकार इस पर कार्य करें, ये एक परफेक्ट टाइम है इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों पर गौर फरमाने का, है ना। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ राइजिंग टाइड, चाइनाज एफर्ट्स टू टाइटन ग्रिप ऑन हांगकॉन्ग विद टफ लॉज मे नॉट हेल्प इट कॉज। प्रोटेस्ट और वायलेंस देखने को मिल रहे हैं हमें लास्ट हांगकॉन्ग के अंदर 24 मई को हमें काफ़ी प्रोटेस्ट और वायलेंस देखने को मिला, और ये सारा सीन काफ़ी नॉर्मल है वहाँ के, मतलब कुछ टाइम से, कुछ सालों से काफ़ी नॉर्मल चीज़ है वहाँ के। पुलिस ने जो है टीयर गैस कैनन्स को, वाटर कैनन्स को यूज़ लिया ताकि ये मार्च को जो है स्टॉप किया जा सके, वहाँ के प्रोटेस्टर्स को स्टॉप किया जा सके, वहाँ से रिमूव किया जा सके। इस सब के लिए पुलिस ने भी काफ़ी पेपर स्प्रे वगैरह, टीयर गैसेस, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, है ना। तो ये जो है ये बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है हांगकॉन्ग की, वहाँ पे डिबेट से रिलेटेड है, नेशनल एंथम बिल से रिलेटेड है, न्यू नेशनल एंथम बिल है जो वहाँ पे पास करने की बात कही जा रही है, उस पर प्लान किया जा रहा है, विच वुड पनिश एनी वन हु इंसल्ट चाइनाज एंथम। चाइना के जो एंथम है उसको कोई भी अगर इंसल्ट करता है तो उसे पनिश किया जाएगा और 3 साल तक की जेल दी जाएगी, 3 ईयर्स का कैद दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और देखने को, प्रोटेस्टर्स जो है सड़क पर उतर आए हैं, काफ़ी वायलेंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट उसके अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या इस बिल पर जो है क्या कार्य किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो और क्या इश्यूज़ हैं वो इस राइजिंग टाइड के अंदर, जो आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल को और मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि इसके नेशनल एंथम बिल के अलावा भी एक दो इश्यूज़ हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है आज का वो ये है कि रिफॉर्म्स, है ना, कैसे इन रिफॉर्म्स पर वर्क किया जा सकता है, कौन से 4 मेजर रिफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, कैसे इस लॉकडाउन पीरियड में, या फिर लॉकडाउन तो चलिए सेकेंडरी मैटर है, हम कह सकते हैं कोविड-19 के दौर में कैसे महत्वपूर्ण बदलावों पर कार्य किया जा सकता है, और कैसे आने वाले टाइम में हम इन 4 क्षेत्रों में बदलाव के द्वारा हमारे कंट्री को या हम अपनी कंट्री के एक एक स्टेट को टॉप पर लेकर जा सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हाट स्टेट गवर्नमेंट लर्नड बाय दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक, क्या सीखा है उन्होंने, किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए, कैसे रिफॉर्म्स जो है लेकर आएंगे वो आने वाले दौर में, और कैसे इंसान ने, एक पर्टिकुलर पब्लिक ने या इंसान ने, पर्टिकुलर आदमी ने ये सीखा है, आम आदमी ने, कि कैसे जीवन में प्रायोरिटीज़ को चेंज हो सकती है, प्रायोरिटीज़ और कैसे चेंज किया जा सकता है, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।